लिए यहाँ पे कई विचार विमर्श होते थे, कई तरह की गुप्त मीटिंग्स भी हुआ करती थी, क्योंकि आप जानते हैं शिमला भारत की राजधानी थी तो वहाँ अंग्रेज़ों का ज़्यादा ध्यान रहता, तो अंग्रेज़ सारे ऑफिसर भी वहाँ रहते थे। लेकिन मसूरी में ऐसा नहीं था, मसूरी सिर्फ लोग घूमने फिरने आते थे और अपना समय हंसी खुशी से व्यतीत करने आते। तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी संघर्ष के बाद हमारे को देश की आज़ादी मिली। और जब जिस दिन यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कुछ थोड़ा लूटमार शुरू हो गई थी, उससे पहले ही तो प्रॉपर रूप से झंडा नहीं फहराया गया, लेकिन एक मसूरी क्लब में कुछ स्थानीय लोगों ने जो उस टाइम के थे उन्होंने वहाँ पे एक झंडा फहराया और एक सवाई होटल में फहराया गया। ये मसूरी में पहली बार जो 1947 में झंडा फहराया गया वो वहाँ पे मसूरी क्लब के थोड़े से प्रांगण में और सवाई होटल में कैप्टन कृपा राम ने। उसके बाद भी कम से कम 25-30 साल आने उसके बाद भी वो हर साल वहाँ पे झंडा फहराया करते थे। और मसूरी में तो बहुत लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी यहाँ पर लूटमार शुरू हो गई थी, तो 2-3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था, इस वजह से भी यहाँ पर सार्वजनिक रूप से झंडा अवतरण ना हो सका, जहाँ पे फिर अब होता है वर्तमान में गांधी चौक में। पहले वहाँ पे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था, लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि यहीं पे फहराया जाए भारत की आज़ादी का पहला ये, लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं थी। और मेरे को तो ये सब बातें जैसे है मेरे को मेरे फादर ने बताई, क्योंकि वो यहाँ रहा करते थे, हम 1928 से मसूरी में हैं, मेरे फादर ने तो सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी है, और वो उनके दोस्त भी थे ये सब कांग्रेस के लीडर्स वगैरह, यहाँ से मसूरी से भी बहुत लोग यहाँ से, यहाँ शरणार्थी मॉडर्न स्कूल जहाँ बनाए रामपुर हाउस में, यहाँ पर जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो लोग जमा हो गए थे काफ़ी, मसूरी में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और उसके अलावा लेकिन क्योंकि ये कांग्रेस के काफ़ी बड़े लीडर थे, शफी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, ये 5 भाई थे, और ये यहाँ पे मसूरी में ऑफिसर्स थे। तो देखो को इंसिडेंट संयोग ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो मारकाट थी और हिंदू मुसलमानों में झगड़े भी हो रहे थे, लेकिन मसूरी में उस समय जो मसूरी के प्रशासक थे वो शफी अहमद किदवई जी थे। और लेकिन मसूरी में इस तरह से ज़्यादा वो नहीं है, कंट्रोल कर लिया गया, थोड़ा लूट मार ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस तरह से वो नहीं हुआ। 1-2 दिन तक यहाँ पे अराजकता रही, लेकिन देहरादून में जो DM साहब थे वो उस टाइम थोड़ा वो ब्रिटिश हैंगओवर तो था ही, मतलब अभी तो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहीं थे, तो उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया था। निश्चित रूप से घनानंद में वो पढ़ते थे अपने समय में, घनानंद जो इंटर कॉलेज आज भी विद्यमान है, बहुत ही फेमस था और बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ से पढ़ के निकली हैं। तो उसी में 1938-39 की बात है, भारत में ये जो आंदोलन चल रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो विद्यार्थियों में जोश नेचुरली नवयुवकों में होता है, तो इन्होंने घनानंद में दो दो ग्रुप बन गए थे, एक ग्रुप चाहता था कि ना फहराया जाए झंडा और एक ग्रुप चाहता है क्यों ना फहराया जाए। तो उसके लिए काफ़ी प्रशासन वहाँ पहुँच गया था, लेकिन उन्होंने छत पर जाके हिंदुस्तान का झंडा फहराया, बाद में उनको पकड़ा, रिप्रमांड किया ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने, जो भी थे यहाँ के SO वगैरह कोतवाल, लेकिन ऐसा कोई क्राइम तो नहीं किया था उसके बाद तो फिर। लेकिन वो उनमें उस टाइम भी यही जागरूकता थी कि आज़ादी के 8-7-8 साल पहले भी मसूरी में अपने अपने जीवन को, अपने जीवन अपने भविष्य को भी रिस्क में डाल के उन्होंने भारत के झंडे को फहराया।